हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा गोस्वामी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे गोस्वामी टैग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डिलीट फोटो किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल पे समझा देता हूँ कि अगर आपकी फ़ोटो डिलीट हो जाती है, पहली बात तो आपकी फ़ोटो दो तरह से डिलीट होती है। नंबर एक, अगर आपकी फ़ोटो डिलीट हो जाती है तो वो आपकी ईमेल आईडी पे सेव रहती है। अगर आपके फ़ोन में फ़ोटो एप्लीकेशन है, जैसे किसी के फ़ोन में नॉर्मल गैलरी होती है, लेकिन किसी फ़ोन में क्या होता है, गूगल का आपको पता होगा, गूगल का एक फ़ोटो एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन में अगर आपकी ईमेल आईडी एक्टिव है और वहाँ पे ऑटो सेव एक्टिव है, तो आपके फ़ोन में जितने वीडियोस, फोटो, फाइल जो भी है, वो सब कुछ आपकी ईमेल आईडी पे सेव रहते हैं। तो आप उसको कहीं से भी रिकवर कर सकते हैं, यानी चाहे लैपटॉप में कीजिए, चाहे किसी और मोबाइल में कीजिए, तो आप उसको इस तरह से रिकवर कर दीजिए। और दूसरा, अगर आपके फ़ोन से फ़ोटो डिलीट हो जाते हैं, होता क्या कि एक्चुअल में कभी मान लीजिए आपका फ़ोन कहीं ऐसी जगह पे गिर गया जहाँ से पूरी तरह डैमेज हो चुका है, और आप उसको सर्विस सेंटर ले जाते हैं और सर्विस से आपको रिप्लाई आता है कि सर ये फ़ोन पूरा रीसेट करना पड़ेगा, यानी आपके फ़ोन में जो भी डाटा है ये सब कुछ मिटाना पड़ेगा, और रीसेट होने के बाद ही आपका फ़ोन का जो भी आपको चाहिए तब मिल पाएगा रिपेयर होके। लेकिन अब आपको पता है, अगर आपका फ़ोन रीसेट होगा तो उसमें आपको आपका कुछ भी मिलने वाला है नहीं, एकदम न्यू फ़ोन की तरह मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि आप रीसेट फ़ोन, यानी अगर आप खुद अपने फ़ोन को रीसेट करते हैं, उसके बावजूद भी आप उस फ़ोन से आज तक जितनी भी फ़ोटो ली गई, उस फ़ोन में आज तक जितनी भी वीडियोस गई, उन सभी को रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका फ़ोन फॉर्मेट करो, रीसेट करो, चाहे कुछ भी करो, उसके बाद भी आप अपने फ़ोन से सारी फ़ोटो निकाल सकते हैं बिना किसी इंटरनेट के। तो आप सोच सकते हैं बिना किसी इंटरनेट के, उसमें आपको ना ही नेट की ज़रूरत है ना ही इंटरनेट की। अगर आपके फ़ोन में सिम कार्ड नहीं है, फिर भी निकाल दोगे, खाली आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, ये मैं ऑलरेडी खुद यूज़ करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरा फ़ोन डैमेज हो जाता है, कई बार मेरे फ़ोन चेंज करते रहता हूँ, तो मुझे इसी थ्रू से अपने फ़ोटो सारे निकालने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत बारी काम आ जाते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा और डिटेल बाय डिटेल दिखाऊंगा अपने फ़ोन की डिस्प्ले में कि आप किस तरह से अपने इन फ़ोटो को रिकवर कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, मैं आपको पूरी डिटेल बाय डिटेल समझाता हूँ कि आप किस तरह से इन फ़ोटो को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की डिस्प्ले में। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा प्ले स्टोर पर। तो देखिए, प्ले स्टोर पर जाते ऊपर सर्च करूंगा मैं डिस्क। देखिए, जैसे मैंने डिस्क सर्च किया तो सबसे ऊपर आ चुका है डिस्क फोटो रिकवर। तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। तो देखिए, जैसे ये ओपन करेंगे तो कुछ इंटरफेस इस तरह से आता है इसका। तो सबसे ऊपर ब्लू कलर में दिख रहा होगा आपको, तो इस पर लिखा है स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन, तो उसको क्लिक करते हैं। तो उसके बाद ही आपसे कुछ परमिशन मांगता है, तो जो भी परमिशन मांगता है आप इसको एक बार कंफर्म करके पढ़ लीजिए कि क्या लिखा है, कि आपसे कुछ और तो नहीं मांग रहा। तो ये खाली फ़ोटो और उसके रिकवर के लिए मांग रहे, तो हम इसको अलाउ कर देते हैं। तो उसके बाद जैसे हम इसको अलाउ करते हैं, तो आप नीचे देखिए, यहाँ पर ब्लू कलर में रिकवर और उसके बगल पर आइकन घूम रहा है और नीचे क्लीन अप लिखा है। तो ये हमारा जो ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे इसमें टोटल कितने फ़ोटो रिकवर होंगे, 11,928। तो आप देख सकते हैं 11,928 फ़ोटो हैं इस फ़ोन में टोटल मेरे, खाली फ़ोटो ही फ़ोटो। उसमें से देखिए पीछे लिखा रहा है 274, 370, तो इतने फ़ोटो रिकवर हो चुके हैं। तो एग्जांपल के लिए आप लोग समझ गए होंगे कि यह किस तरह से वर्क करता है। तो इसमें से आपको जो भी फ़ोटो डाउनलोड करनी है, आप उस पर ऐसे मार्क लगा सकते हैं और नीचे जो ब्लू कलर का आपको रिकवर लिखा आ रहा है उस पर आप क्लिक करके उन सभी को अपने फ़ोन में सेव कर सकते हो। जैसे आप इसको सेव करोगे तो आपके जो भी फाइल मैनेजर है वहाँ पे रिकवरी फोल्डर होगा, उस फोल्डर में आपको सारी समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको अपनी फ़ोटो निकालनी है। अगर बाई चांस आपको कोई दिक्कत आती है और आपकी फ़ोटोज़ नहीं आते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी कोशिश करने की, यानी सॉरी, पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। जहाँ भी मेरे से जितनी भी हेल्प होगी, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। तो जय हिंद।